नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा प्रधान डाकघर में पिछले दो दिनों से जो सीबीआई की टीम है वो जांच कर रही है, और जो मंगलवार यानी आज जो है जांच करने के बाद सीबीआई की टीम जो है वो रवाना हुई है। तमाम वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से 3.5 करोड़ के सरकारी राशि गबन करने का जो मामला था वो सामने आया था, जिसके बाद जो सीबीआई की टीम है वो सहरसा प्रधान डाकघर पहुँचे हुए थे और सोमवार को और मंगलवार दो दिनों से जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही थी, और जो जांच के बाद जो है सीबीआई की टीम जो है वो रवाना हुई है। तमाम वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो सीबीआई की टीम है वो सहरसा प्रधान डाकघर पहुंचे हुए हैं, और तमाम जो सीबीआई की टीम के जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है, और तमाम जो जांच की प्रक्रिया है वो की गई। हालांकि मीडिया के सवालों का जो जवाब है वो देते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। मीडिया के सवालों से जो भागते हुए सीबीआई की टीम है वो नज़र आ रहे हैं। उनसे सवालें की गई कि किस को लेकर जो है वो जाँच करने के लिए आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है। लेकिन जो मामला बताया जा रहा है वो 3.5 करोड़ रुपए सरकारी गबन का जो मामला है वो उजागर हुआ है, जिसमें जो पूर्व में तत्कालीन जो हेडमास्टर थे राजेश कुमार, उसे भी निलंबित कर दिया गया था। साथ ही साथ उन 14 अन्य कर्मियों को भी निलंबित किया गया था। इसी मामले को लेकर जो निलंबित है वो की गई थी, जिसके बाद जो जाँच की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, और सहरसा प्रधान डाकघर और सुपौल प्रधान डाकघर से 3.5 करोड़ रुपए सरकारी राशि गबन करने का मामला उजागर हुआ, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की है। तो सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां दो दिनों से सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है, और जांच करने के बाद जो मंगलवार यानी आज जो है सीबीआई की टीम जो है सहरसा प्रधान डाकघर से रवाना हुई है। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि क्या पूरा मामला है, किसको लेकर जाँच की गई है, किसको लेकर जांच में यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सहरसा प्रधान डाकघर की ये तस्वीरें हैं किस तरह से देखिए, वहां पर पहुंचने के बाद जो प्रधान डाकघर के तमाम जो अधिकारी कर्मी हैं उनके बीच हड़कंप बची हुई है, और दो दिनों से जो सीबीआई की टीम है वो जाँच करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।